सब तो पहला तुहाडे सारे मेरे जिहड़े सोशल मीडिया वाले वीर ने पत्रकार वीर ने तुसी अज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच आए हो साडे वल्लों तुहानू जी आया बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी बड़ा कीमती समा कढ़िया बड़े पखदे मुद्दे की गल है कि एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर गुरमुख सिंह उर्फ हैप्पी संधु जिन्होंने पिछले दिनी लाइव हो के MLA इंद्रजीत कौर मान जी की छवि खराब करने लई बड़ी अपद्दी भाषा वरती जो कि मैं समझदा एक पूरी नारी जाति का अपमान है जिन्हें उन्होंने एक शब्द तुहाडे नाल सांझा करा उन्होंने हक ते हथ मार के कहा यार मैनू ये समझ नहीं लगती भी वह घरे भी अपनिया भैणां नूं इदां ही बोलता होगा यार कह के अपनिया धियां नूं इदां बोलता होगा इन्ना अनकॉन्शियस इन्ना मैं कहना मदहोश बंदा कभी हो नहीं सकता जिन्होंने भैन जी इंद्रजीत कौर मान MLA हलका नकोदर के खिलाफ बड़ी घटिया शब्दावली वरती और उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश की। असल गल ये कि उन्होंने अपने पिंड फंक्शन कराया सी जिथे वो MLA साहब न सदा दे के गए घर आ के MLA साहब के रजेमे बहुत ज़्यादा सी वो जा नहीं सके उसकी पड़ास कढ़ने लई लाइव हो गया कभी दारू पी के गल करता है अपने सरपंच नूं हिक ने नाल ला के कभी फिर दिने लाइव हो जाता है और गल करता है कि भैन जी नशे पकाउंदी है MLA नशे पकाउंदी है वो भैन जिन्हें भ्रूण हत्या के खिलाफ नारी जाति के सन्मान लई इन्ने उपराले किए सी तुसी सारे जानते हो कि जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वदंती गुरु नानक नैशनल कॉलेज के आए सी तो और भैन जी ने उन्होंने सन्मान किया सी उन्होंने हलाशेरी दी सी उन्होंने शलांघा की सी तुसी औरत जात लई इन्ना काम कर रहे हो और लोगों के जेडे नकोदर हल्के दे लोग ने उन्होंने देखिया एक समझदार पढ़ी लिखी औरत जिन्हें तीन टर्मा 15 साल पिंड की सरपंची की हो 5 साल ब्लाक समिति की मैंबर रही हो और बिल्कुल नकोदर हल्के दे विच होवे और लोगों ने एडा वड्डा भरमा हंगारा दिता है और वह MLA बने MLA बनते सार उन्होंने नकोदर हल्के दे लई पिंडां दे हल्के लई अथाह काम कराए ने और उन्हां दा अक्स खराब करने लई गुरमुख सिंह शराबी हो के लाइव हो के कभी रोंदा आपदे पिंड दे सरपंच नूं नाल लैके कहना चाहुंदा बीबी तू परचे कराए आ। मैं एक गल तुहाडे माध्यम राही दसना चाहुंदा भैन जी इंद्रजीत कौर परचे कभी करवाउंदी नहीं ना वह करवाउण दी आदी है ना उहदी ए उहदा ना इहदा यकीन आ परचियां दे विच इसलिए क्योंकि वह सरपंच रहे उन्होंने सारा पता पर जिन्हां सरपंचां ने कपड़े किए होण जिन्हां सरपंचां ने भ्रष्टाचार किया होवे उन्हां दे रिकॉर्ड चैक करना महकमे की जिम्मेवारी है वह कोई MLA नहीं करवाउंदा महकमा आप देखदा है और इस दे नाल जिहड़ी उन्होंने औरत जात दे लई जिहड़ी बड़ी भद्दी भाषा वरती बीबी MLA शब्द तैनूं मैं दसूँगा किवें हुंदी है मैनू समझ नहीं आती याद की कौर कर ली तो शतीरिया जफे एक कहावत आ पंजाबी दे विच जिहड़ा कभी पिंड का बंदा सरपंच ना बनया होवे पंच ना बनया होवे कभी ब्लाक समिति मैंबर ना बनया होवे कभी जिला परिषद का मैंबर ना बनया होवे वो सिखाऊगा सरपंच जिहड़ा MLA आ वो सारे हलके ने बनाया वो हलके दे प्रति जवाब दे आ तेरे प्रति जवाब दे रही तू की करना है की नहीं करता तू कहना मेरे को सबूत है मैं हाई कोर्ट लेके जावांगा हैप्पी नूं मैं चैलेंज करना चाहुंदा तुहाडे माध्यम राही जे तेरे को सबूत है चल रख असीं SSP दे नाल तेरे नाल जावांगे झूठ दे प्रचार करने बंद कर दे भाषा सानू भी माड़ी बोलनी आउंदी है भाषा सानू भी साडे नाल माड़ी तू भाषा बोल नहीं सकदा क्योंकि असीं तेरे नाल वध भाषा माड़ी बोल सकते हैं तू भैन जी इंद्रजीत कौर मान MLA हलका नकोदर के खिलाफ जो कोई शब्द वरतूंगा तो तैनू एटला जवाब पत्थर च देवे तुहाडे माध्यम राही मैं दसना चाहना और मैं समझदा भैन जी ने 20 साल आपकी सियासत कम किया उन्होंने तो तुसी सारे जानते हो किसी की खुशी होवे गमी होवे कोई जगराता होवे कोई विआह होवे पिछे नहीं हटे
अपनी किरत कमाई दे विच उन्हां ने दान भी दिते ने जगरातियां दे विच जाके मेलियां दे विच जाके गरीब लड़कियां दीआं शादियां हुंदियां उत्थे जाके उन्होंने शगन पाए ने। मैं उन्हां दे नाल जांदा रहा, मैं देखदा सी तुरी जांदी बीबी नूं, किसे नूं 2100 किसे नूं 1100 फड़ा दिंदे आ। मैं कहिंदा हैप्पी संधू नूं पुछणा चाहुंदा, कोई अकल नूं हथ मार, तूं पहलां भी इह कम करदा सी हलका इंचार्ज जगबीर सिंह बराड़ दे खिलाफ, पल्ले तेरे कुछ नहीं पिया सी, हुण भी तेरे पल्ले कुछ नहीं पैना, जे तेरे च जुरत आ जा हाई कोर्ट, जा एसएसपी साहब दे जा, असी तेरे नाल जावांगे। इस तों पहलां साबका MLA गुरप्रताप सिंह बडाला जी ने भी छवि खराब करन दी कोशिश कीती सी। तुसी सारे जानदे हो कि अज तक उन्होंने कोई सबूत लोगों के सामने लिआंदा, सिर्फ तो सिर्फ यह सी एक सधारण लड़की एक सधारण घर दी बीबी MLA बन गई। पहला रजवाड़े बनते सन, एक बारी वह बन गया, एक बारी वह बन गया। आपां नूं पता, टोनी जी जानते ने सारे, तुसीं पत्रकार वीर साढ़े सत्कार योग हो, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पहला जिहड़ा युग सी उह रजवाड़िआं दा युग सी। उह युग तुसीं सारिआं ने नकोदर हल्के दे लोकां ने खत्म करके एक सधारण घर तो MLA इंद्रजीत कौर मान जी नूं बनाया। वह उन्हां को गल उन्हां को पचती नहीं पई भी एक सधारण वर्कर जिहड़ा MLA बन गया, अज उहदे कहने तो प्रशासन चलता, और लोगों के काम करा रहे हैं, लोगों की डिवेलपमेंट करा रहे हैं, पिंडों की शहरों की डिवेलपमेंट करा रहे हैं। तुहाडे माध्यम राही दसना चाहुंदा, उधर 5 उद्घाटन किए ने, तुसी सारे ने कवरेज किया, इसलिए असी सारे साथी पर जोर उहदी निंदा करते हैं, नाल उहनूं चैलेंज भी करते हैं। जे मुड़ के कोई इदां दी गल कीती ते इट दा जवाब पत्थर होगा, जदों मर्जी तो जिथे मर्जी देख लई, देखण नूं भी तैयार हां असी। तुहाडे वल्लों कोई कानूनी कार्रवाई आपां उहना कानूनी कार्रवाई, देखो मेरी बेनती सुनो, उन्होंने साडे खिलाफ तुहाडे माध्यम राही मीडिया राही बोलिया, असी उन्हां दा जवाब अज देता, जे अगे तो कोई गल करूगा कार्रवाई भी हो जूगी। सवाल ये उठता अकाली साहब भी जिहड़ा हैप्पी संधू आ उहनूं की जरूरत पै गई मैडम दे खिलाफ बोलण दी? तुहानूं मैं दस्या जी भी वह फंक्शन से सद्या से उत्थे अपनी बल्ले बल्ले करवानी चाहता सी, राणा गुरजीत सद लिया, साहब प्रगट सोना सद लिया, और सदता से इंद्रजीत कौर मान MLA भी सदता से, MLA साहब नहीं गए, इस कारण उन्होंने तकलीफ हुई, इस कारण पड़ास क्ढी उन्होंने खिलाफ जफस खराब करने की कोशिश करता है, पार्टी वालों की लीगल एक्शन लिया जा रहा? पहला तो थोड़ा पत्रकार भाईचारे का बड़ा धनवाद, तुम साढ़े छोटे जे सदे के उ सारे इतने एकत्र हो। तुसी देखिया पिछले दिन फेसबुक दे एक बंदा जिदा कुछ कौमा सैमी कौमा या अनकॉन्शियस हो के कभी भी बंदा कोई लाइव हुंदा तुसी नोट करते हैं उस उदा तरीका लाइव होन दा। दूजी गल आ जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां वा उन्हां दे फोन पल्ले कुछ नहीं रहा, क्योंकि जिहड़ी पंजाब सरकार आ साडी भगवंत सिंह मान जी दी सरकार, जिन्हां ने जो किया उत्ते पूरे उतम की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जिहदे नाल दूजियां पार्टियां बुखला चुकियां वा। बुखलाहट का कारण यह जी मैनुपुलेशन हो रही है, एक अद्धे बंदे नूं अगे लिया के चीज़ां कीतियां जा रही। बाकी तुसी लोग सारे साडे नाल हर वेले तुहाडा भाईचारा साडे नाल सहमत हुंदा और थाडे नाल खड़ा हुंदा। तुसी नोट करो चाहे वह सीवरेज का प्रोजेक्ट सी जिहड़ा अज तो 18-20 साल तो पहलां दा रुकिया सी उन्हों संपूर्ण कराया, उहदे विच भी जे असी सीवरेज का प्रोजेक्ट चालू कराते तो सड़क तो टुटनी ही आ, उहदे लई भी लोकी रौला पाते सी, पर उन्हां चीज़ों तो उपर उठ के मैडम उन्होंने नकोदर शहर की नुहार नूं बदलन दा एक जिहड़ा टीचा चक्किया सी उहनूं पूरा कीता, जिहदे विच देखो साडा नकोदर का बस स्टैंड भी आ गया, उहदे लई भी फंडस आ गए, तहसील कंपलैक्स लई भी फंड आ गया, क्योंकि ये विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, उहदे लई टीचा रखिया जांदा। बाकी ठीक आ, आम आदमी पार्टी की समूह टीम अपनी मैडम MLA इंद्रजीत कौर मान के नाल खड़े आ, और लोगों के घर घर विचरे, तुसी 2 साल का समय देखो भी उस लेडीज़ ने एक दिन भी अपने घर गुजारिया हो, कोई बंदा सानू आ के एक इंसान कह दे भी मैं उन्होंने घर गया मैनू मिले नहीं या मैं उन्होंने काम किया होया नहीं, वो खुद आ फोन करके इनफॉर्मेशन लेंदे आ। जे कि जरूरत हो असी हर वेले अपने जिन्हें भी साढ़े पब्लिक असी उन्होंने नाल खड़े हाँ, ते जे इस चीज़ों के बंदियां ने अपनियां आदतों तो नहीं होना फिर जो साडा क्राइटेरिया साडी पार्टी हाईकमान कहूगी चाहे उहदे लई लीगल एक्शन लेना पवे तो या जिस तरह भी असी ठीक समझांगे उहदा जवाब जिद्दां टाली ने किया उहदा दित्ता जाऊगा। ओके जी, हाँ जी प्रदीप जी, अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आम आदमी पार्टी वालों, की कारण हो गया? एक कारण जो पिछले दिन हैप्पी संधू वालों
बीबी इंद्रजीत कौर मान जी के खिलाफ जो दोष लगाए गए आ उन्होंने सिरे तो नकारन वास्ते साड़ी सारी लीडरशिप हलका नकोदर दी ताडे नाल रूबरू हो जा रहे हैं। तो जो दोष उन्होंने लगाए आ वह बिल्कुल सरासर झूठ ने। जेकर उन्होंने जरा भी सच्चाई आ सबूत सामने लैके आन असी खुद सारे नाल जाके एस एस पी साहब को इन्वेस्टिगेशन करवाने तैयार हाँ। यही दोष कुछ समा पहला वड़ाला साहब जो कि सबका एम एल ए ने नकोदर के उन्होंने भी लगाए थे। जेकर कोई सच्चाई सी इन्होंने चीज़ों के उन्होंने साबित क्यों नहीं कर सके। सो साड़ी सारी लीडरशिप इस चीज़ को बिल्कुल जड़ तो नकार दी है। हाँ जी सारे का पहला बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया जिन्हें भी साथी पहुँचे। मैं एक गल कहनी चाहना कि सानू बड़े किस्मत वाले आपां नकोदर हल्के दे सारे लोग जिन्हां नूं बड़े लंबे अरसे तो बाद एक पढ़िया लिखिया सूझवान तजर्बेकार और समाज सेवा नूं समर्पित सानू जिहड़ा आगू मिलिया और खास करके खुशी की गल है कि असी नारी जाति की गल सारे करते हैं लेकिन नारी नूं माण मिलिया सारे लोगों ने माण दिता। ये जिहड़ा नारी नूं माण मिलिया वो विरोधियों तो बर्दाश्त नहीं हो रहा और एक तजर्बेकार होंदे नाते वो क्योंकि समाज सेवा नूं समर्पित आ दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहिंदे। तुसीं भी देखते हैं हल्के की ओवरऑल डिवेलपमेंट वास्ते काम कर रहे हैं और रोज़ लोगों के दुख सुख में शरीक होंदे ने। ये जिहड़ियां सारियां राजनीतिक पार्टियां मैं एक सवाल करना चाहुंदा चाहे बीजेपी है चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस वाले तुसीं एक चीज़ इन्हां निकल के सामने आउंदी भी इह तों पता लगता भी सारे आपसे रल मिल के इन्हां को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਮ ਪੀ ਸੰਧੂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੈਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਆ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਘਰੇ 'ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੈਡਮ ਤਤਪਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਮਰਥਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।